मैं यहाँ आपके रेफ्यूजी कैंप में बच्चों के लिए क्रिकेट ट्रेनिंग कैंप खोलना चाहता हूँ। ये जो रेफ्यूजी कैंप के बच्चे हैं, अपने जिस्म के ऊपर बम बांधकर खुद के साथ न जाने कितने मासूमों की जान ले लेगा। एक शर्त तो लगेगी। क्या आप टॉरबास फिल्म की कहानी के लिए उत्साहित हैं? उस फिल्म में कौन कौन नजर आने वाला है? इस फिल्म से आपकी क्या उम्मीदें हैं? इस फिल्म की कहानी क्या फिल्म में नरगिस फाकरे के कैरियर में उछाल आएगा? आप इससे संबंधित जानकारियां पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं पलक गुप्ता आज आपके लिए फिर से एक दिलचस्प कहानी लेकर आई हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नरगिस फाकरे को बॉलीवुड में आए काफी साल हो गए हैं, लेकिन उनको कुछ खास मुकाम नहीं मिल पाया। उन्होंने अपने कैरियर में कुछ गिने चुने फिल्म की है। वह संजय दत्त के साथ एक फिल्म टॉरबास से स्क्रीन पर वापसी कर रही हैं। इससे पहले वह फिल्म फाइव वेडिंग्स में राजकुमार राव के साथ देखी गई थी। उनके कैरियर में उनको ज्यादा सफलता नहीं मिल पाए, लेकिन कुछ एक्शन कॉमेडी फिल्मों में उनने अच्छा काम किया है। इससे यह उम्मीद की जा सकती है कि उनकी फिल्म से कैरियर को उछाल मिल सकता है और वह भी बॉलीवुड की सफल अभिनेत्री में से एक होंगी। उनकी आने वाली फिल्म के बारे में बात करें तो उससे पहले बात करते हैं उनकी शुरुआत जीवन और कुछ पहले की फिल्मों के बारे में। नरगिस फाकरे का जन्म 20 अक्टूबर 1979 में हुआ था। वह अमेरिका में जन्मी थी। वह पाकिस्तान की मॉडल रह चुकी हैं और बॉलीवुड में उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत इम्तियाज अली की रोमांटिक फिल्म में रणबीर कपूर के साथ 2011 में आई रॉक स्टार में की थी। इस फिल्म में वह एक कश्मीरी पंडित लड़की के किरदार में नजर आई थी। उनका किरदार एक बेबाक बेफिक्र लड़की का था। यह भारत की पहली फिल्म थी जिसमें कश्मीरी पंडित की शादी दिखाई गई थी। एक संगीतकार के जीवन के बारे में थी जिसमें प्रेमिका की मौत के बाद एक छोटे स्तर से उठकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई। नरगिस फाकरे की खराब हिंदी के वजह से फिल्म में उनकी आवाज़ को विभिन्न वॉइस आर्टिस्ट ने डब कराया गया था। इस फिल्म को लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लोगों ने उनकी इस फिल्म के लिए उनके लुक की तारीफ भी की थी। काफ़ी सारे फिल्म क्रिटिक्स ने उनके लिए ये अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इस फिल्म के लिए उनको बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए कई जगह नॉमिनेट किया गया था। फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए भी उनको नॉमिनेट किया गया था। इस फिल्म के बाद दो साल बाद 2013 में सुजीत सरकार की फिल्म मद्रास कैफे में नजर आई थी। इस फिल्म में उनके साथ जॉन अब्राहम नजर आए थे। इस फिल्म में नरगिस ने अपने डायलॉग खुद किए थे, क्योंकि सुजीत सरकार को एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जो भारतीय लगती हो लेकिन उसका एक्सेंट ब्रिटिश होना चाहिए। इस फिल्म के किरदारों को भी अच्छे रिव्यूज मिले और मुख्य को भी सहारा गया। उसी साल फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो में आइटम नंबर 1 पर डांस किया था। इस फिल्म में वह इस गाने के लिए देखी गई थी। इस फिल्म में शाहिद कपूर और इलियाना डिक्रूज मुख्य किरदार में नजर आए थे। उसके अगले साल नरगिस फाकरे डेविड धवन की फिल्म मैं तेरा हीरो में नजर आई थी। इस फिल्म में उनके साथ वरुण धवन और इलियाना डिक्रूज भी नजर आए थे। इस फिल्म में नरगिस फाकरे ने डॉन की बेटी का किरदार निभाया था, जिसे एक लड़के से प्यार हो जाता है और उसके पिता उस लड़के को अपने घर में लाते हैं। यह एक मसाला कॉमेडी फिल्म थी जिसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की। इस फिल्म के लिए उनको अच्छे रिव्यूज मिले और क्रिटिक्स ने लिखा कि नरगिस फाकरे मसाला कॉमेडी में बाकी फिल्मों से बेहतर नजर आती हैं। इस फिल्म के बाद फिर से वह एक गाने में नजर आई थी। इस गाने में सलमान खान भी थे। यह गाना उनकी फिल्म किक से थी, जिनका नाम था यार ना मिले। इस गाने को भी लोगों ने काफी पसंद किया और यह गाना लोकप्रिय भी हो गया। इसके बाद उन्होंने हॉलीवुड की फिल्म में अपने पैर जमाने की कोशिश की थी। वह हॉलीवुड की एक एक्शन कॉमेडी फिल्म में नजर आए थे। इस फिल्म में उनके अभिनय की काफी प्रशंसा हुई। फिर वो एक साउथ की फिल्म में एक आइटम नंबर करते हुए नजर आई, जिसके बाद से वह अजहर फिल्म से बॉलीवुड में नजर आई। इस फिल्म में उनके साथ इमरान हाशमी और प्राची देसाई भी थे। यह फिल्म भारत के पूर्व क्रिकेटर के कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन के बारे में थी। इस फिल्म में वह अभिनेत्री संगीता बिजलानी के किरदार में नजर आई थी, जो क्रिकेटर अजहरुद्दीन की दूसरी पत्नी है। इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई की, लेकिन उनको कुछ अच्छे रिस्पॉन्सेज नहीं मिले। साजिद नाडियावाला की फिल्म हाउसफुल 3 में सपोर्टिंग कैरेक्टर के किरदार में नजर आई। इस फिल्म में वह अभिषेक बच्चन के साथ उनकी मंगेतर की भूमिका में थी। फिर वह फिल्म धिशुम में साकिब सलीम के साथ उनकी दोस्त के किरदार में नजर आई थी। इस फिल्म में वह बस कैमियो रोल में थी।
फिर वो 2016 में रितेश देशमुख के साथ फिल्म बेंजो में नजर आई थी। इस फिल्म को मुंबई के रैपर्स को समर्पित किया गया था। इस फिल्म को बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली और कुछ अच्छा रिव्यू नहीं मिला। उसके बाद वह हॉलीवुड के प्रोडक्शन में बनी फिल्म फाइव वेडिंग्स में नजर आई थी। इस फिल्म में वह राजकुमार राव के साथ नजर आई थी और उसके बाद वह साल 2019 में फिल्म अमावस में नजर आई थी। इस फिल्म को भी कुछ खास रिव्यूज नहीं मिला पिछले फिल्म जैसे। इन फिल्म्स के भी खास रिव्यू नहीं मिले और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। बाकी फिल्म्स की तरह उनको बॉलीवुड में कुछ खास पहचान नहीं मिली, इसलिए फिल्म टोरबा से उनकी बहुत उम्मीदें हैं। और इस फिल्म की कहानी को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर सकती है और इसकी कहानी लोगों को पसंद आ सकती है। यह फिल्म कैसी साबित होती है यह तो फिल्म देखने के बाद ही पता लगा सकते हैं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ बॉलीग्राफ स्टूडियो पर। इस वीडियो की स्क्रिप्ट आद्या ठाकुर ने लिखी है। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।